फ्रेंड्स, अगर आप ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो राइट हैंड साइड पर जो आई बटन है ना, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि कुछ लोगों ने ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो किया था लेकिन उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। और फ्रेंड्स, उन लोगों को एक मेल आया है और मेल में कुछ मेंशन है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनने अपलोड नहीं किए, तो सारा कुछ डिपार्टमेंट वालों ने उनको मेल किया और उनको बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी थी, तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स यानी फिर से आपको अप्लाई करना होगा ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको वो मेल दिखाने वाला हूं, ठीक है, तो उसमें सारा कुछ मेंशन डिपार्टमेंट वालों ने कर दिया। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां आपको सारा कुछ सारी डिटेल बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और वो डिपार्टमेंट वालों ने जो मेल किया था ना, उसमें क्या क्या मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं, वहां आपको डिटेल में बता देता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो मेल आया है, ये अपने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों ने मेल किया है, ठीक है, जिनने ये अप्लाई किया था ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रति व्यक्तिगत नवीन ए श्रेणी विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति, संदर्भ आपका आवेदन पत्र क्रमांक जो भी है ये, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा है, आपके नवीन क्लास ए श्रेणी विद्युत ठेकेदार अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र के निम्न बिंदुओं की आपूर्ति नहीं पाई गई। और देखिए ये बिंदु ये लिखे हुए हैं, देखिए फर्स्ट है पर्यवेक्षक का घोषणा पत्र का बिंदु 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पर्यवेक्षक का जो घोषणा पत्र है वो आपको सही तरीके से भरना है, ठीक है, और अपलोड भी सही तरीके से करना है, ठीक है, जो भी फॉर्मेट उनने बोला है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसमें मैंने बताया है ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के लिए कहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कहाँ से उसको डाउनलोड करके उसको फिल करके आपको भेजना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, विद्युत ठेकेदार संस्थान के अधिकृत व्यक्ति का घोषणा पत्र का बिंदु 3। अधिकृत व्यक्ति वो होता है यानी जैसे अपने कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया, या फिर खुद जिसकी जिसके नाम पे कंपनी है, या वो हो गया यानी खुद मालिक हो गया, ठीक है, या अन्य कोई ऑफिसर हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा बिंदु क्या है, और इनने ये भी लिख के रखा है, देखिए क्या है, मेगर व अर्थ टेस्टर के रेंज में काटपीट की पाई गई है, जो भी इनने अपलोड डॉक्यूमेंट्स किया था तो उसमें कुछ ना कुछ काटपीट करी है, इसीलिए इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। और थर्ड क्या है, पर्यवेक्षक का घोषणा पत्र अपात्र है, ठीक है, पर्यवेक्षक ये घोषणा पत्र भी अपात्र है, यानी इनने ये सही नहीं भरा होगा, तभी इनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद ही मेरा यही है, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, नहीं तो आप लोगों का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड उसमें 400 रुपये फीस लगती है, ठीक है, आप फिर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको फीस फिर पे करना हो। अब देखिए चौथा क्या है, पर्यवेक्षक का पूर्व संस्थान ठेकेदार का कार्य छोड़ना संबंधित, ठीक है, NOC, ठीक है, सेवानिवृत्त आवेदन की कॉपी भेजें, यानी अगर आपने जहाँ पर जिस भी कंपनी में आप काम करते थे वहाँ पर आपने रेजिग्नेशन लेटर जो भी है उनका, ठीक है, छोड़ने का प्रमाण पत्र वो भी आपको अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट के कारण ही आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो सारे पॉइंट को आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो जब भी आप अपलोड करें तब बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करें, और जो जो पॉइंट इन्हें बताए हैं, ठीक है, बिल्कुल फुलफिल होने चाहिए, नहीं तो आप लोग का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट
हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और ये जो गलतियां हैं इनको आपको सुधारना है, ठीक है। जिनने एप्लीकेशन अभी तक जैसे किया नहीं है, ठीक है, तो वो सारे कैंडिडेट इन बातों का ज़रूर ध्यान में रखना। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल के आइकन को प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वाली प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करना क्योंकि मैंने सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड। फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आप लोग से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।